सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं महिंद्रा 275 DI XP प्लस ट्रैक्टर का। तो गाइस, इसके अंदर आप लोगों को 37 HP की पावर देखने को मिल जाती है, आपको डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है। और आप लोग देख सकते हो, ये रहा गाइस इसका कुछ गियर। इसके अंदर आप लोगों को 4 गियर आपको देखने को मिल जाते हैं, एक रिवर्स। बाकी ये रहा इसका हाई लो का, बट ये रहा इसका हाई लो। ये ऐसे करने पर हाई हो जाएगा और नीचे करने पर लो हो जाएगा। तो आप लोगों को एयर क्लीनर देखने को मिल जाता है, और ये रहा इसका कुछ साइलेंसर। बाकी इसके रियर टायर आपको 13/6/28 के देखने को मिल जाते हैं, और बाकी फ्रंट के टायर आपको 6/16 के देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये रहा इसका गाइस PTO पावर, आप लोग देख सकते हो। और ये रही इसकी क्लच, और वहाँ पे ये रहे इसके गाइस सारी ब्रेक्स, और ये रहा एक्सीलेटर। बाकी ये रही गाइस इसकी लिफ्ट, और बाकी ये आपको वॉल्व दिए गए हैं कुछ उपकरण वगैरह लगाने के लिए। बाकी ये रही इसकी PTO पावर, और ये रही कुछ इसकी गाइस क्लिप। इसके अंदर आप लोग इम्प्लीमेंट अटैच कर सकते हैं। बाकी ये रही इसकी सेंसिंग लिफ्ट, तो ये सेंस करती है। बाकी आप लोगों को पता होगा अगर आपके घर पे ट्रैक्टर है तो वगैरह वगैरह। ये रहा इसका गाइस यहाँ पे आप बैठ सकते हो। बाकी ये रही इसकी फ्यूल पंप, तो गाइस इसकी स्टीयरिंग की बात करें तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर हम लोगों को RPM मीटर, फ्यूल मीटर और टेम्परेचर मीटर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। और ये रही गाइस इसकी फ्यूल लिड, इसके आप बंद कर सकते हो इंजन को इससे। और यहाँ पे आपकी इसकी की लगती है, यहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हो जो ट्रैक्टर के होते हैं। बाकी पीछे आपको बोतल होल्डर देखने को मिल जाता है, और रिफ्लेक्टर भी पीछे ही मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको देखो डिफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, तो इससे आप लोग हर नीचे ऊपर कर सकते हो। और यहाँ से आप इसकी हर की सेंसिंग होती है उसे कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे आप बाकी आगे आपको गैस फ्यूल लिड मिल जाता है, यहाँ से आप फ्यूल डाल सकते हो। और सच में पावर स्टीयरिंग में क्या होता है, बहुत आराम से ये रोटेट होती है किया गया है। यहाँ पे आपको 4 गियर देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे करके यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, ये फर्स्ट और ये सेकेंड और ये थर्ड। तो ये रहा गया इसका कुछ गियर नॉब। बाकी यही था इसका। बाकी इसके अंदर आपको 6 ईयर्स की वारंटी देखने को मिल जाती है, बट ये देखो गाइस कंडीशन अप्लाई, तो कुछ कंडीशंस होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। बाकी ये रहा इसका रेडिएटर, और ये रहा इसका गाइस जो ये फ्यूल पंप है इसकी, और ये रही गाइस इसकी मोटर। तो आप यहाँ से ट्रैक्टर स्टार्ट होता है सब कुछ वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर आपको 2200 cc का पावरफुल इंजन देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये रहा ये प्रेशर वॉल्व, इसे आप खोल दोगे तो जो आपकी लिफ्ट होती है वो अपने आप नीचे चली जाएगी। तो यही था कुछ वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको ख़रीदना है तो ये आप शिवम ट्रैक्टर कन्नौज से ख़रीद सकते हो अब। तो गाइस यही था कुछ वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।